तो जब से मैं 10 दिन की ट्रिप कर वापस आया हूँ, बुखार, जुखाम और अकेलापन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण मेरे रूम में फैले सामान, गंदे कपड़े और जूतों को धुलने का मन ही नहीं कर रहा है, और किचन में 4 दिन से भीगे रखे चने और ब्रेड भी ना खाने के कारण खराब हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं थिएटर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाऊँ, जल्दी से अपने आप को धुलकर और पपीता खाकर तैयार हो जाता हूँ। तो अपनी धन्नों पर सवार होकर सबसे पहले इन अंकल जी से आकर अपने लिए दवा लेता हूँ और फिर थिएटर पहुँच जाता हूँ। तो और लोगों से 10 मिनट पहले पहुँचने के कारण मैं अपनी दवा को खा ही रहा होता हूँ कि ये 4 लोग अपने खाने के लिए पानी पूरी लेकर यहाँ पर दस्तक दे जाते हैं। और थिएटर में 3 घंटे की वर्कशॉप करने के बाद मैं अपने रूम पर आकर चैन से लेट पाता, ऐसा हो सकता है क्या? तो अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए मार्केट से आलू और लौकी को लाके जल्दी से काट के तैयार करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आलू लौकी की सब्जी कैसे बनती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बनने के लिए रख दिया। और खाने में स्वाद आए या ना आए, लेकिन हम बैचलर लड़कों को खाना ही पड़ता है। अपने हाथ से बनाया हुआ खाना कैसा भी बने अच्छा ही लगता है। और बाकी दवा खाने के टाइम पर ऐसे मुंह कौन कौन बनाता है कमेंट में जरूर बता देना।